हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम योर कोच संदीप धीमान। और आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं? आज का टॉपिक जो है वो है ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी के ऊपर। क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी के बारे में, सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस के अलावा। स्टार्ट द वीडियो और करते हैं पता आज ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी के बीच में इंपॉर्टेंट चीज़ें। सो एज ए हेल्थ कोच, एज ए सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, मैं भी अपने क्लाइंट्स को ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी प्रेफर करवाता हूँ और वो उनके वेट लॉस में हेल्प भी करती हैं। बट उसके अलावा काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान भी रखनी चाहिए। अगर कस्टमाइज न्यूट्रिशन प्लान या फिर एक्सरसाइज चार्ट आप किसी को भी चाहिए या फिर मेरे से वन ऑन वन ट्रेनिंग करनी है आप सभी ने, किसी ने भी, सो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे सोशल नेटवर्क के थ्रू। मेंटल हेल्थ और आपके मूड को रिफ्रेश करने के लिए ब्लैक कॉफ़ी हेल्प करता है। जब भी आप हेक्टिक होते हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो आपका मूड को एक रिफ्रेश कर देता है और आपके हेक्टिक शेड्यूल में एक ये इनपुट ऐसा बन जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार आपको एनर्जी आना स्टार्ट हो गया। सो आपके मूड को भी सही करता है और आपकी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा करता है। प्री वर्कआउट के लिए भी ब्लैक कॉफ़ी यूज़ की जाती है। मैं अपने क्लाइंट्स को भी हमेशा बताता हूँ और आप सभी को भी पता होगा कि एज ए प्री वर्कआउट यूज़ किया जाता है ब्लैक कॉफ़ी को। आप 100 ml के अंदर, पानी के अंदर एक चम्मच डालेंगे तो आपको अच्छा हिट जाता है। और आप अपनों इसको 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले अपने वर्कआउट के लेंगे तो आपको एनर्जी लेवल आपके एक्सरसाइज का जो होता है वो बढ़ जाता है, आपकी इंटेंसिटी लेवल बढ़ जाता है। और साथ ही साथ जब आप टोटल वर्कआउट का एवरेज निकाल के देखते हो ना, तो आपका जो टाइम लिमिट है वो एज कम्पेयर टू अर्ली डेज ज़्यादा हो चुका होता है जब आपने प्री वर्कआउट ब्लैक कॉफ़ी ली होती है। वेट लॉस में भी ब्लैक कॉफ़ी आपको हेल्प करती है। जो हमारी बॉडी में फैट स्टोर होता है वो फैटी एसिड के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाता है और जब हम वर्कआउट करते हैं उस टाइम वो फैट यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ वेट लॉस में हेल्प इसलिए भी करता है कि आपके ये डाइजेशन सिस्टम को, आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है ब्लैक कॉफ़ी, जिसकी वजह से आपको वेट रिड्यूस करने में हेल्प होती है और साथ ही साथ आप जो भी खाते हो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। सो एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी भी ब्लैक कॉफ़ी में होती है और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक चीज़ें बनती हैं ना उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। सो जितना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है आपके ब्लड का फ्लो, आपकी हर चीज़ की फंक्शनिंग बॉडी की बहुत ही अच्छे तरीके से निकलती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल, पोल्यूशन वाली सिटी में कहीं पर रहते हैं तो आपके अंदर जो है वो टॉक्सिक रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है। इसी रीज़न से आपको एंटीऑक्सीडेंट की चीज़ें, खाना हो गया, ड्रिंक्स हो गए, ये चीज़ें लेना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो इसीलिए ब्लैक कॉफ़ी मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो बात करते हैं कॉन्स की। स्लीपिंग डिस्टर्ब करता है। अगर आप 6 या 7 बजे के बाद ब्लैक कॉफ़ी लेते हो तो उसमें कैफीन की रेशो होने की वजह से आपकी वो स्लीप को डिस्टर्ब करता है और आप अच्छे से सो नहीं पाओगे बिकॉज लेट नाइट आपको नींद आएगी। दूसरी चीज़, अगर आप ब्लैक कॉफ़ी को एज ए कैपेचिनो या फिर कोई और कॉफ़ी के थ्रू प्रेफर करते हैं तो उसके अंदर जो कैलोरीज की रेशो होती है वो बढ़ जाती है। तो आप कभी ये मत सोचिए कि अगर आप फ्रैपेचिनो या फिर आप ब्लैक कॉफ़ी या फिर आप मोका पी रहे हैं या फिर कैपेचिनो पी रहे हैं तो इस तरह की अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो आपका वेट रिड्यूस में वो हेल्प करेगी। वो क्यों नहीं करेगी? बिकॉज उसके अंदर आपने कैलोरीज डाल रही हैं। ओरल हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है ग्रीन टी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका गला ख़राब होता है, ठीक है, गले में कोई खारिश है तो आप ग्रीन टी प्रेफर करते हैं या फिर आपको न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर भी प्रेफर कराते हैं कि ग्रीन टी पिए। उससे क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी होने की वजह से आपका जो ओरल की हेल्थ है ना वो भी इंप्रूव होती है और गला भी, जो थ्रॉट है आपका, वो भी आपको स्मूथ फील होना स्टार्ट हो जाता है अगर थोड़ी भी खारिश हो। तो आप ग्रीन टी को तब भी प्रेफर कर सकते हैं एज ए एंटीऑक्सीडेंट सोर्स। ग्रीन टी फैट बर्न करने में भी हेल्प करती है। अब कैसे करती है? जितना अच्छा आपका डाइजेशन होगा आपके गट को उतना ही अच्छा ये स्ट्रांग रखता है जब आप ग्रीन टी प्रेफर करते हो। बट आपको कभी भी एक्सेस में नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 ग्रीन टी लेनी है एक पूरे दिन के अंदर, जिसके अंदर आपकी कैफीन की रेशो भी होती है। अगर आप ज़्यादा लोगे तो आपको वो डिस्टर्ब भी करेगा, आपके स्टमक को भी डिस्टर्ब करेगा, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ग्रीन टी का क्या है कि आयरन को बॉडी में ऑब्जर्व नहीं होने देता। तो प्रेग्नेंट वुमेन के केस में क्या होता है कि उनको आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उस ड्यूरेशन में डॉक्टर्स उनको मना करते हैं या फिर अवॉइड करते हैं कम्प्लीटली कि आपको ग्रीन टी नहीं लेनी है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर आप ग्रीन टी प्रेफर कर रहे हैं और प्रेग्नेंट हैं या फिर प्रेग्नेंट आपके आसपास कोई और, तो उनको भी ये बता सकते हैं कि ग्रीन टी प्रेफर ना करें, आयरन को ऑब्जर्व नहीं होने देता।
दोनों के आप प्रोज एंड कॉन्स देख चुके हैं, ब्लैक कॉफ़ी के और ग्रीन टी के। सो कंक्लूजन ये है कि ये भी मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प करता है, ये भी मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प करता है, ये भी आपके गट को स्ट्रांग करता है, ये भी आपके गट को स्ट्रांग करता है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी रखता है और ये भी एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी रखता है। तो दोनों चीज़ें अच्छी हैं अपने वे में, बट डिपेंड करता है कि आप कैसे चूज़ कर रहे हैं। मैं आपको बस अपनी तरफ से एक्सपीरियंस के हिसाब से बेस्ट सोल्यूशन ये बताऊँगा कि आप ब्लैक कॉफ़ी सिर्फ एक या दो कप प्रेफर करें, ठीक है, 250 ml तक ज़्यादा से ज़्यादा। ग्रीन टी आप 3 प्रेफर कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 जा सकते हैं, पर 3 से ऊपर ना जाएं। तो ये चीज़ें बेस्ट सॉल्यूशन मिलेंगे आपको आपके वेट लॉस जर्नी के बीच में, या फिर आप मसल गेन कर रहे हैं। मैं तो मसल गेन करता हूँ तब भी मैं लेता हूँ, मैं जब श्रेड करता हूँ तब भी मैं ग्रीन टी लेता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ। बट ये है कि इन दोनों चीज़ों को आपको लेना ज़रूर है, चाहे आप ब्लैक कॉफ़ी को ऐड करो चाहे ग्रीन टी को ऐड करो, किसी एक चीज़ को ऐड करना स्टार्ट कर दो। या फिर अगर आप ले रहे हो तो इसको 3 बार लो, इसको 1 या 2 बार लो, प्रेफर करो, डेली बेसिस पे मत लो। सो थैंक यू गाइस फॉर द लव एंड सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग मी। इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा। और किसी ने अगर होम वर्कआउट के वीडियोज नहीं देखे, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, आप घर पे ही अपने आप को रेडी कर सकते हैं अपने किसी भी गोल के लिए। सो बाय, टेक केयर एंड बी सेफ, बी एट होम, वैक्सीनेशन लगवाने जरूर जाएं।